दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेलर्स, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार। सायंकुणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ गोरखपुर महानगर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाबी समाज के साथ की बैठक, सुनी समस्याएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ उद्यमी व्यापारी सम्मेलन, सीएम ने कहा हमेशा भाजपा करती है व्यापारियों के हितों में काम। खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले खजनी और आसपास के इलाकों में सकुशल मतदान हुआ संपन्न, जिले के सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। बांसगांव के गठबंधन प्रत्याशी सदल प्रसाद को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन, आपके जिलाध्यक्ष वैभव जायसवाल ने सौंपा समर्थन पत्र। 13 मई को होगी सपा बसपा की संयुक्त रैली, गुलाब का फूल देकर सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से रैली में आने की अपील। भाजपा कार्यकर्ता की गाड़ी पर हुई फायरिंग, बाल बाल बचे नेताजी। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित हुआ शबद कीर्तन। सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों ने किया मतदाताओं को जागरूक, बजाया बैंड, किया नुक्कड़ नाटक। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से की सिटी वन ने विशेष बातचीत। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी से सिटी वन ने की विशेष बातचीत, मधुसूदन ने कहा लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। और सिटी वन के विशेष कार्यक्रम बोले तो गोरखपुर के तहत जाना लोगों की समस्या, मतदाताओं के मुद्दे।